8. जब तक देव और निखिल ऊपर पहुंचते हैं, अंजलि उस खुफिया कमरे के अंदर जा चुकी होती है। उसी वक्त निखिल के गले का तावीज चमकने लगता है। उसे याद आता है कि उसका ये तावीज तभी चमकेगा जब किसी मुसीबत के आने का आवाज होगा। निखिल ढूंढते हुए सीढ़ियों की तरफ जाता है और झट से अपने कमरे में घुस जाता है। उसके चेहरे पर डर और बेचैनी साफ झलक रही है, आने वाले तूफान को लेके। देव भी निखिल के पीछे पीछे उसके कमरे में आ जाता है। निखिल कमरे का दरवाजा बंद कर जमीन पर बैठ जोर जोर से मंत्र बोलने लगता है। देव आंखों में बस हजारों सवाल लिए उसे असमंजस से देख रहा था। ऊपर खुफिया कमरे में हवन कुंड के सामने बाबा, अंजलि और मंदाकिनी बैठे होते हैं। बाबा जोर जोर से मंत्र पढ़ रहा था। उसके मंत्रों की आवाज पूरे कमरे में गूंज रही है। बाबा अपने हाथों में ढेर सारी भभूति भर उसे अपने मुंह के पास ला के एक मंत्र उसके अंदर फूंक कर अंजलि पर डाल देता है। अंजलि का पूरा शरीर कांपने लगता है। अंजलि अब बाबा के काबू में थी। बाबा अपनी रुद्र आवाज तेज कर उससे सवाल पूछने लगता है, बता कब से है तू इधर? बता कब से तू इस महल में छुपकर हमारे खिलाफ षड्यंत्र रच रही है? बोल लड़की, वरना इसका अंजाम ठीक नहीं। अंजलि अपने होश में नहीं थी। बाबा के मंत्रों और भभूति ने उसकी सोचने, समझने, यहां तक कि खड़े रहने की ताकत को कमजोर कर दिया था। बाबा फिर से उससे पूछता है, बता क्यों आई है? अंजलि बेहोशी सी आवाज में कहती है, नहीं बोलूंगी। नहीं बोलेगी तो मुझे 2 मिनट नहीं लगेंगे तेरी जान लेने में। अभी तो सिर्फ तेरा शरीर कमजोर हुआ है, कुछ देर और हुई तो तेरा शरीर यहीं भस्म हो जाएगा। बोलती है या नहीं? नहीं बोलूं। तुझे क्या लगा तो गीतांजलि बन मेरे सामने आएगी और मैं तेरी तरफ हो जाऊंगी? अरे वो माया, कहने को मेरी बेटी है पर जो जुनून वृंदा में है वो उसमें वैसे भी नहीं था। अच्छा है मर गई। अंजलि मंदाकिनी की बात सुन हैरान हो जाती है। उसे यकीन नहीं होता है कि मंदाकिनी ने उसे धोखा दिया है। अब बाबा का सब्र का बांध मानो टूट रहा था। वो बहुत सारी भभूति हाथ में लेता है और दोबारा अंजलि के मुंह पर फेंक देता है। अंजलि बहुत जोर से जमीन पर गिर जाती है। कब से रह रही है यहाँ पर और किसकी मदद से? मैं जानता हूँ तू ये अकेले नहीं कर सकती है। बता कौन सी सखियां हैं तेरे पास? बाबा अंजलि को उसका तावीज दिखाता है जिसको वो सुबह से ढूंढ रही थी। अंजलि तावीज को बाबा के हाथ से छीनने की कोशिश करती है मगर उसका कमजोर शरीर साथ नहीं देता और बाबा उससे तावीज दूर कर देता है। ये तावीज चाहिए तो पहले बोल, वरना इसके बिना तो जिंदा वैसे भी नहीं रह पाएगी। बाबा की कही हुई बात अंजलि पर असर नहीं कर रही थी और यही बाबा की बेचैनी बढ़ा रहा था। बाबा एक सिल्ली को हवन कुंड पर गर्म कर अंजलि के कोरे हाथ पर लगा देता है। अंजलि दर्द से कहरा उठती है, जैसे तू तड़प रही है वैसे ही तेरा देव तड़पेगा। बता क्यों आई है यहाँ? देव का नाम सुन अंजलि घबरा सी जाती है और बोलने की कोशिश करती है, उसे कुछ मत करना। देव देवराज का दूसरा जन्म है,
उसे कुछ, वो बहुत बहुत अच्छा है, एकदम तुम्हारे दोस्त देवराज की तरह। बाबा दूसरी बार सिल्ली अंजलि को लगाने जाता है कि दोस्त शब्द सुन वो रुक जाता है और अंजलि की बात को बड़ी गौर से सुनने लगता है। देवराज कभी कभी नहीं चाहता था कि तुम एक बुरे इंसान बनो। आज तुम वृंदा और मंदाकिनी के साथ मिल देव को मार मार के अपने दोस्ती से भी विश्वासघात कर रहे हो। देव को मार कर देवराज तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। देवराज ने तुमसे दोस्ती तुम्हारे अच्छेपन की वजह से की थी, लेकिन गलत का साथ देकर तुम देवराज को और भी दूर कर दोगे। मत मारो, मत मारो। अंजलि की दर्द से सांस फूलने लगती है, वो दर्द से कहराने लगी थी, मत मारो देव को। और दूसरी तरफ निखिल की मंत्रों की ताकत से तेज हवाएं उड़ने लगती हैं और मिट्टी से दो शरीर बनने लगते हैं। एक शरीर मर्द का था और एक शरीर औरत का। निखिल तुरंत दोनों शरीरों को पहचान गया, लेकिन देव नहीं। वो दोनों शरीर भास्कर और शमा के थे। अंजलि और भास्कर को देखकर निखिल की आंखों में एक नई उम्मीद जाग जाती है। वो अंजलि। हम जानते हैं निखिल, इसलिए तुम्हें और अंजलि को आगाह किया था कि तावीज को शरीर से अलग ना होने दे, लेकिन आज अंजलि की लापरवाही ने उसे इस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है। शमा की बातों को सुन निखिल की आंखों में आंसू आ जाते हैं। इससे पहले निखिल शमा की बातों का जवाब दे पाए, देव बोल पड़ता है। देखिए प्लीज, आप कुछ तो कर सकते होंगे, कोई रास्ता तो होगा उसे बचाने का। प्लीज बचा लीजिए उसे, प्लीज बचा लीजिए मेरी अंजलि को। देव की आंखों में अंजलि के लिए आंसू देख निखिल को कुछ अच्छा नहीं लगता, मगर वो कुछ नहीं कहता। हम कोशिश कर सकते हैं, तुम दोनों घबराओ मत, यहाँ बैठो और हमारे साथ ये मंत्र बोलो। भास्कर, शमा, निखिल और देव मंत्रों को बोलने लगते हैं और धीरे धीरे उन चारों के शरीर पर सुरक्षा कवच बनने लगता है और चारों सीधे खुफिया कमरे के अंदर अदृश्य होकर पहुंच जाते हैं। वो देखते हैं अंजलि अधमरी हालत में वहां पड़ी थी और उसके शरीर पर लाल निशान था और बाबा के हाथ में सिल्ली थी जो उसे कभी भी मार सकता है। बाबा जैसे ही सिल्ली उठाता है, भास्कर एक मंत्र बोलता है जिससे बाबा के हाथ से सिल्ली गिर जाती है। बाबा समझ जाता है उसके अलावा कोई और ताकत भी मौजूद है कमरे में। वो जोर से उसे ललकारने लगता है, सामने आ, इतनी हिम्मत है तो सामने आकर वार कर, मेरी शक्तियों के आगे तू नहीं टिक पाएगा। अब तू देख, इस अंजलि को तेरे आगे ही मारूंगा और अब तेरी शक्तियां भी इसे नहीं बचा पाएंगी। सबको खत्म कर दूंगा मैं, सारे दुश्मनों को। मेरे मकसद के बीच अब कोई नहीं आ सकता है, कोई नहीं। ये सुन मंदाकिनी मन ही मन मुस्कुराने लगती है और देव और निखिल डरने लगते हैं। बाबा एक मंत्र बोल अंजलि के माथे को छूता है और फिर दोबारा सिल्ली उठा के दे मारता है, मगर अंजलि नहीं, मंदाकिनी के सर पर। कहानी का अगला भाग सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अंजलि अपने कमरे की खिड़की तले बाहर के नजारे को देखने में गुम थी। तभी उसका दरवाजा कोई खटखटाता है। अंजलि पीछे मुड़ के देखती है तो वहां पर देव खड़ा था। अंजलि, क्या मैं अंदर आ सकता हूं?
हाँ देव आओ, इसमें पूछने की क्या बात है? देव अंदर आकर अंजलि के पास गुमसुम खड़ा हो जाता है। वो कुछ हैरान परेशान था, मानो उसके जहन में हजारों सवाल हों और अंजलि ये देख समझ जाती है। देव क्या हुआ, तुम्हारा चेहरा कुछ बुझा बुझा लग रहा है। कितनी अजीब बात है अंजलि, हमेशा की तरह तुम आज भी समझ गई मेरे दिल की परेशानी, और मैं तो। देव, दूरियां आ जाने से दोस्ती में फर्क नहीं आता है। उसी दोस्ती की खातिर तुमसे एक चीज मांगने आया हूँ, दे पाओगी? ये भी भला कोई पूछने की बात है, बताओ क्या चाहिए। माफी मांगने का हक। देव, मैं कुछ समझी नहीं। अंजलि, पिछले कुछ महीनों से हमारी जिंदगी में बहुत सारे बिन बुलाए तूफान आए हैं, जिसने हमारी जिंदगी के अंदर उथल पुथल मचा दी है। बहुत कुछ बदल दिया है तूफानों ने, बहुत सारे अपनों को हमसे छीन लिया। पर ये बोल देव की आंखों में नमी सी आ जाती है। अंजलि देव का हाथ थाम उसे संभालने की कोशिश करती है। पर जो नहीं बदला वो है तुम्हारा, मेरे साथ यूं चट्टान की तरह खड़े रहना। मगर मैं ही शायद कमजोर पड़ गया, मैं ही तुम्हारी दोस्ती को वो अहमियत नहीं दे पाया और तुमसे ही बैर कर बैठा। मैंने एक बार भी ये नहीं सोचा कि तुम तो हर कदम पर मेरा ही साथ दे रही थी, और मुझे बचाने के लिए ना जाने कितने खतरे उठाए तुमने। मैं तो ये बात जान भी नहीं पाता अगर निखिल मुझे ये सब नहीं बताता। निखिल का नाम सुन अंजलि कहीं गुमसी हो जाती है और देव अपनी बात कहता रहता है। इसलिए मैं आज तुमसे हक मांगने आया हूं, माफी मांगने का हक। क्या तुम मुझे माफ करोगी? बोलो ना, क्या तुम मुझे माफ करोगी अंजलि? कहो अंजलि। बार बार अपना नाम सुन अंजलि अपने ख्यालों से बाहर आती है और देव की बातों पर गौर करती है। बोलो अंजलि, माफ करोगी? हाँ देव, मैं तुम्हें कब का माफ कर चुकी हूँ। हमारे बीच जो भी इश्यूज हुए वो सिचुएशन की वजह से हुए हैं। आई हैव ऑलरेडी फॉरगिवन यू। ये सुन देव के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। अंजलि, क्या हम अपना रिलेशनशिप वापस शुरू कर सकते हैं? क्योंकि सच तो ये है कि आज भी देव के दिल में अंजलि की ही जगह है। आई मिस यू वेरी मच एंड आई लव यू। अंजलि, जो इतनी देर देव का हाथ थामे बैठी थी, वो अपना हाथ हटा देती है। देव ने जो अब कहा उस पर अंजलि को विश्वास नहीं हो रहा था। विल यू बी माई गर्लफ्रेंड अगेन एंड दिस टाइम फॉर एवर? आई प्रोमिस आई विल ऑलवेज ट्रस्ट यू। देव की बातें सुन अंजलि बस उसे एक टक देखती रह गई, मानो उसे कोई सांप सूंघ गया हो। जहां देव अंजलि को कमरे के अंदर अपने प्यार का इजहार कर रहा था, कोई शख्स था जो उन्हें चुपके से सुन रहा था दरवाजे के दूसरी तरफ से। उस शख्स की आंखों में हल्की नमी थी। देव और अंजलि की बात सुन वो सीढ़ियों से ऊपर खुफिया कमरे में जा बैठता है। उसके हाथों में एक तोहफा था जिसमें फॉर अंजलि लिखा था। रोते रोते उस शख्स के हाथ से वो तोहफा गिर जाता है और वो फूट फूट के रोने लगता है। क्यों? आखिर क्यों? अब क्यों? वो शख्स कोई और नहीं बल्कि अंजलि और देव का सबसे खास दोस्त निखिल था। जहां निखिल अंजलि और देव अपने जज्बातों से लड़ रहे थे, वहीं वृंदा को महल से कोसों दूर उस पुराने घर में होश आ गया था। बाबा वहीं उस कमरे में बैठ मंत्र पढ़ रहा था। वृंदा धीरे धीरे खांसते हुए होश में आ जाती है। आ, आ, बाबा, बाबा, मैं बेहोश कैसे हुई? मैं नहीं जानता तुझे क्या हो गया, पर तू मेरे मंत्रों की ताकत से वापस आ गई है। पूरे एक दिन बाद तुझे अचानक से क्या हो गया था? वृंदा झट से पलंग से उठ बाबा की आंखों में गुस्से से देखती है। उसकी आंखों में एक अलग तरह का तेज था, मानो पूरे संसार को उसी में समा लेना चाहती हो। बाबा उसकी आंखों में ये पढ़ लेता है और उसे शांत करवाने की कोशिश करता है, मगर वो गुस्से में तिलमिला रही होती है।
हम यहाँ क्यों आए हैं? हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था। हम अपनी प्रक्रिया महल में भी कर सकते थे, यहाँ क्यों? और मेरे हाथ का वो तावीज कहाँ है? बोल कहाँ गया? उसके बिना मैं मर। बाबा वृंदा की बेचैनी को समझने लगा था। वो जानता था इसके पीछे कोई गहरा राज है। बाबा मन ही मन एक मंत्र बोल उसके माथे पर विभूति लगा देता है और वृंदा शांत हो जाती है और पूरी तरह बाबा के काबू में आ जाती है। बता, तू क्यों नहीं आना चाहती थी? क्या राज है, बोल। नहीं बताऊंगी। बोल वृंदा, बहुत तड़पेगी। बोल बोल, क्या है, जल्दी बोल। नहीं बताऊंगी। बोल वृंदा, बोल बोल। लाश है यहाँ। किसकी लाश? नहीं बताऊंगी। मेरी माँ कहाँ है? उसे अब तक आ जाना चाहिए था। मुझे जाना है यहाँ से। बोल, क्या राज है इस कमरे में? बोल, किसकी लाश? एक औरत की लाश, एक औरत की लाश, एक औरत की लाश। मैंने पूछा, किसकी लाश? मुझे देवराज को पाने के लिए और वापस आने के लिए एक शरीर चाहिए था। कोई मामूली शरीर नहीं, एक ऐसा शरीर जिसके गर्दन पर एक जन्म चिन्ह हो सांप का। बहुत तलाश करने के बाद मुझे एक ऐसी औरत मिली इस कमरे में। मेरी तलाश पूरी हो गई, पर वो औरत थोड़ी जिद्दी थी। जिद कर रही थी बार बार। कैसी जिद, कैसी, बोल। बार बार जिद कर रही थी, मुझे जिंदा छोड़ दो, मुझे जिंदा छोड़ दो, मेरा एक बच्चा है छोड़ दो। अब तू ही सोच, मेरा प्यार ऊपर या उसकी ममता, बस भेद क्या। मैंने उसके बदन पर खंजर चला दिया और उसके टपकते खून में एक मंत्र फूंक उसको पी कर अपनी प्यास बुझा ली। उस औरत की वजह से मुझे दोबारा से देवराज से मिलने का मौका मिला। जानता है उसकी लाश कहाँ है? इधर ही, जहाँ तू खड़ा है। बाबा वृंदा की बात सुन हैरान रह जाता है, फिर अपनी रौबदार आवाज में पूछता है, कौन थी वो औरत? बोल वृंदा, कौन थी? वो कोई मामूली औरत नहीं हो सकती, जरूर कोई संबंध है उसका तुझसे। बाबा ने जो अब सुना, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। सही कहा, संबंध तो है। वो औरत कोई और नहीं, देव की माँ थी। और वो बच्चा जो उस रात अपनी माँ का खून होते देख तड़प रहा था, वो देव था। कहानी का अगला भाग सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। निखिल अपने कमरे में गुमसुम सा बैठा था, तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। निखिल पीछे मुड़कर देखता है तो दरवाजे पर अंजलि खड़ी थी। निखिल उसे देख और दुखी सा हो जाता है। निखिल कहाँ हो तुम? कल रात भी मिलने आई थी पर तुम रूम में थे ही नहीं, कहाँ गायब हो कुछ दिनों से? निखिल अंजलि के सवाल पर कुछ चिढ़ सा जाता है और उसे अजीब ढंग से जवाब देता है। क्यों, तुम अब क्यों मुझे ढूंढ रही हो? अब तो वैसे भी देव, तुम? मेरा नाम निखिल है अंजलि, शायद भूल गई होगी तुम। हाँ, वो गलती से मुंह से निकल गया, वो देव के बारे में सोच। अंजलि प्लीज, मुझे कुछ जरूरी काम है। इफ यू डोंट माइंड, कैन आई मीट यू लेटर?
निखिल, तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो? कुछ हुआ है क्या? क्यों होना क्या है, या कुछ हो चुका है जिसकी मुझे खबर नहीं है। अंजलि निखिल के बिहेवियर को कुछ समझ नहीं पाती है और वहां से चली जाती है। और वहां दूसरी तरफ बाबा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, ये जान के कि बरसों पहले देव की मां को वृंदा ने मारा था। बाबा को अपनी गलतियों का पछतावा हो रहा था और उसका जी चाह रहा था कि वृंदा को इस वक्त ही खत्म कर दे, पर वो जानता था कि इन सब का कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि ऐसे बहुत से राज हैं जो सिर्फ वृंदा जानती है। इसलिए वो वृंदा को अपने मंत्रों के काबू में लाना चाहता था। बाबा बभूति उसके सर पर लगाकर शांति से उससे सवाल पूछता है, वृंदा क्या तू देवराज के लिए किसी भी हद तक जा सकती है? हाँ, देवराज के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ, किसी का भी खून कर सकती हूँ। कोई मेरे प्यार के बीच में नहीं आ सकता, कोई भी नहीं, न गीतांजलि, न अंजलि, न देव और न ही देवराज खुद। ये बोलते बोलते वृंदा रोने लगती है। बाबा कुछ समझ नहीं पाता। वो फिर से भभूति हाथ में लेकर उसी में मंत्र फूंक वृंदा के सर पर लगा देता है। वृंदा रोते रोते उस नजारे को याद करने लगती है। सब ठीक चल रहा था, देवराज का भरोसा गीतांजलि से उठ गया था, पर न जाने कहां से उसने फिर देवराज से मिलने का रास्ता ढूंढ लिया। देवराज, एक बार हमारी बात सुन लीजिए। तुम्हें यहाँ आने की इजाजत किसने दी? दरबान, दरबान! दरबान को बुलाने से पहले एक बार हमारी बात सुन लीजिए। देवराज, हम आपकी पत्नी हैं, हमें किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है। हम आपकी पत्नी और इस घर की रानी हैं। ये बात आप भूल चुके हैं, पर हमें अच्छे से याद है। हमें सिर्फ इतना याद है कि तुम हत्यारी हो हमारे बेटे की, और उसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। जब तक इल्जाम साबित नहीं होता, हम किसी सजा के हकदार नहीं हैं। और एक और मौका तो आपके दरबार में भी मिलता है, बस वही मांगने आए हैं। आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको अपनी बेगुनाही का सबूत दिखाती हूँ। गीतांजलि देवराज को महल से कोसों दूर एक नदी को पार करके एक पहाड़ी की ओर ले जाती है। वहां वृंदा पहले से मौजूद थी, इसलिए गीतांजलि ने देवराज को छुपने के लिए कह दिया था और खुद वृंदा के सामने गई। वृंदा, हम हैरान हैं कि तुम अभी भी जिंदा हो। तुम्हारी जगह कोई और होता तो कब का अपनी जान दे देता। बोलो, क्यों बुलाया है हमें? सही कहा तुमने, वैसे भी हमारे पास जीने की अब कोई वजह नहीं छोड़ी है, तुम्हारी मेहरबानी। लेकिन हम तब तक अपनी जान नहीं देंगे जब तक तुम देवराज को खुद सच नहीं बता देती हो। अच्छा, कौन सा सच? किन सब के पीछे हम हैं? तुम्हारे प्यारे बेटे को हमने मारा है, या ये देवराज के छोटे भाई भास्कर और उसकी प्रेमिका को हमने मारा है? बताओ, क्या क्या बताऊंगी? हमें लगता है हमें अब जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, क्यों? गीतांजलि पेड़ की ओर इशारा करती है और देवराज बाहर निकल कर आता है। देवराज को देख वृंदा अपनी सिट्टी बिट्टी खो देती है। देवराज, आप? मैं वो मैंने कुछ नहीं किया, ये झूठ। बस वृंदा, तुमने हमारे साथ धोखा किया, वो एक बार के लिए हम माफ कर सकते हैं, लेकिन हमारे जिगर के टुकड़े के साथ हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तुमने इतना विश्वासघात किया, क्यों वृंदा? हमारी क्या दुश्मनी थी? जी चाह रहा है तुम्हें अभी खाई से फेंक दें, लेकिन नहीं, तुम्हें ऐसी मौत देंगे जो पूरा रत्नागिरी याद रखेगा। तुम याद रखोगी अगले 10 जन्मों तक। नहीं नहीं देवराज, ये सब फरेब है, हमने कुछ नहीं किया है, ये सब इस गीतांजलि ने किया है। इतना कह वृंदा बहुत आक्रोश से गीतांजलि का गला दबाने लगती है। गीतांजलि सांसों के लिए तड़पने लगती है।
देवराज उसका हाथ छुड़ाने की कोशिश करता है। छोड़ो मुझे। वृंदा, छोड़ो गीतांजलि को, अपना होश खो बैठी हो क्या? छोड़ो उसे। नहीं देवराज, यही मुसीबत की जड़ है, हम इसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। देवराज सिर्फ वृंदा का है, समझी तू? देवराज सिर्फ वृंदा का है, समझी? नहीं वृंदा, ये सच नहीं है। देवराज हमेशा से गीतांजलि का था और रहेगा। ये बात सुन वृंदा आग बबूला हो जाती है और अपने होश खो बैठती है और गुस्से में गीतांजलि को दूर फेंक कर वृंदा अब देवराज की गर्दन पकड़ लेती है। वृंदा, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? छोड़ो हमें। गीतांजलि जब ये देखती है तो भागते हुए वृंदा के पास जाती है। छोड़ो देवराज को, छोड़ो। क्या कर रही हो वृंदा? तुम्हारी दुश्मनी हमसे है, उन्हें छोड़ दो। वृंदा अपनी पूरी ताकत लगाते हुए देवराज का गला दबा रही थी। वृंदा की ताकत से देवराज पहाड़ी के ऊपर जा रहा था। फिर वो हुआ जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता है। देवराज! गीतांजलि की चीख सुन वृंदा को होश आता है और उसे एहसास होता है कि उसने देवराज को खाई में फेंक दिया है। ये किस्सा सुनाते वक्त वृंदा बाबा के सामने दहाड़े मार मार कर रोने लगती है और बस एक ही चीज दोहराती है। देवराज, अगर आप हमारे नहीं हो सकते तो हम किसी और के भी नहीं होने देंगे। देवराज, अगर आप हमारे नहीं हो सकते तो हम किसी और के भी नहीं होने देंगे। देवराज, अगर आप हमारे नहीं हो सकते तो हम किसी और के भी नहीं होने देंगे। वृंदा की हैवानियत सुन बाबा हक्का बक्का रह जाता है। देवराज, हमारा प्यार था, हमारा, हमें बहुत दुख हुआ वो करते हुए, पर हम मजबूर थे, अनजाने में हुआ हमसे वो। देवराज से हमें दुनिया की कोई ताकत अलग नहीं कर सकती, देवराज खुद भी नहीं। देवराज से हमें दुनिया की कोई ताकत अलग नहीं कर सकती, देवराज खुद भी नहीं। देवराज से हमें कोई ताकत अलग नहीं कर सकती, देवराज खुद भी नहीं। ये बोलते बोलते वृंदा बेहोश हो जाती है और बाबा उसे कमरे में रखी खाट पर लिटा देता है। उसके पैर में काला धागा बांध उसके बेहोश शरीर एक खाट से बांध देता है और खुद हवन कुंड के सामने आके बैठ जाता है। कहानी का अगला भाग सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। बाबा असमंजस में रह जाता है ये जान के कि वृंदा ने ही देवराज को खाई में फेंक दिया था। बाबा हवन कुंड से मुट्ठी भर बभूति लेता है, फिर उसमें मंत्र फूंक के वृंदा के शरीर पर डाल देता है और एक गरम सिली लेके उसके गले पर रख देता है, जिसे महसूस कर वृंदा जोर से चिल्ला उठती है और बाबा तुरंत वो बभूति उसके आंखों में डाल देता है ताकि वृंदा फिर से उसके काबू में आ जाए। अगर तूने देवराज को मार डाला तो आज उससे इतना प्यार करने का नाटक क्यों कर रही है? बता मुझे, वरना फिर से ये सिल्ली तेरे बदन पर लगा दूंगा। बाबा गरम सिल्ली वृंदा के गले पर लगा देता है। वृंदा बेकाबू हो जाती और दर्द से तड़पती रहती है। छोड़ मुझे, छोड़ मुझे, आ, छोड़ मुझे, दर्द हो रहा है। छोड़ दूंगा, पहले बता, देवराज से प्यार करने का नाटक क्यों कर रही है जबकि तूने उसे खुद मौत दी है? क्योंकि ये सच है,
मैं देवराज को आज भी चाहती हूँ। उसके लिए किसी भी हद तक जा सकती हूँ। उसको मैंने आक्रोश में आके मारा। मारना तो मैं उसकी तांजलि को चाहती थी, देवराज को नहीं मारना चाहती थी। मेरी गलती थी वो। इसलिए जब देव के बारे में पता चला, मुझे लगा अब मैं मेरी गलतियों की भरपाई कर सकती हूँ। अब मैं दोबारा देवराज को पा सकती हूँ। देव मेरे लिए पहला और आखिरी मौका है देवराज को पाने का। इतना के वृंदा फिर से बेहोश हो जाती और बाबा उसे खाट पर लिटा देता है। वहीं दूसरी तरफ अंजलि महल के बगीचे में टहल रही थी। उसके जहन में निखिल के साथ जो वाकया हुआ है वही चल रहा था। निखिल उसे अपने कमरे की खिड़की से देख रहा था। कहीं न कहीं जिस तरीके से उसने अंजलि से बात की, उसे पछतावा हो रहा था। वो अंजलि से बात करने के लिए बगीचे में जाता है। अंजलि निखिल को आते हुए देख पीछे की तरफ मुड़ जाती है। अंजलि एक मिनट रुको। निखिल आई डोंट वॉन्ट टू टॉक टू यू, एंड तुम्हारी कल की बात के बाद मुझे समझ आ गया है कि तुम भी मुझसे बात नहीं करना चाहते हो, सो प्लीज लीव मी अलोन। अंजलि आई एम सॉरी, मुझे इस तरीके से तुमसे बात नहीं करनी चाहिए थी, मैं बस तुमसे नाराज था। ये किस बात की नाराजगी है जो तुम बता भी नहीं सकते हो? पिछले कुछ दिनों से मैं तुम्हारा ये अजीब बिहेवियर देख रही हूँ। तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो और मैं वजह भी नहीं जानती हूँ। देखो अब वजह जानकर भी कोई फायदा नहीं है। निखिल वो मैं डिसाइड करूंगी, तुम नहीं। मुझे लगा था इतने दिनों में कम से कम हम इतने करीब तो आ ही गए कि एक दूसरे को अपने मन की बातें बता पाए। मन की बातें अगर अलग हो तो ना कहीं जाए तो बेहतर होता है। निखिल पहेलियों में बात मत करो, जो कहना है सीधा सीधा कहो। मैं जानता हूँ तुमने देव को माफ कर दिया है और अब वो तुम्हारे दिल में वापस जगह बनाने लगा है। मैं कुछ समझी नहीं। कुछ नहीं अंजलि, तुम जो भी कर रही हो ठीक कर रही हो, यही डिसीजन बेस्ट है हम सबके लिए। इतना बोल निखिल वहां से चला जाता है और अंजलि वहां खड़ी उसे जाते हुए देखती रहती है। वहीं दूसरी तरफ बाबा अपने मंत्रों की ताकत और विद्या से वृंदा को खत्म करने का उपाय ढूंढ लिया था। वह हवन कुंड के सामने एक मंत्र बोलता है और अचानक जोर से हवाएं चलने लगती है। तेज हवाओं से पांच शरीर बनने लगते हैं और देव अंजलि भास्कर निखिल और क्षमा बाबा के सामने आते हैं। आपने हमें बुलाया? वक्त आ गया है वृंदा को खत्म करने का। क्या करना होगा? हम सब मिलकर करेंगे, लेकिन उससे पहले भास्कर तुझे ये जानना जरूरी है कि देवराज की मौत वृंदा के हाथों ही हुई थी। उसने उसे खाई में फेंक दिया था। भास्कर ये बात बर्दाश्त नहीं कर पाता है और जोर से रोने लगता है, पर मन में एक निश्चय भी करता है कि वृंदा को मार के वो अपने भाई की मौत का बदला लेगा। अब मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। हमें कल वृंदा के शरीर के 100 टुकड़े करने होंगे, फिर एक शीशी में उसके खून की बूंद डालनी होगी और पीपल के पेड़ के सामने कुछ पत्तों के साथ उसे आग लगा देनी होगी। ये काम कल ही होना चाहिए क्योंकि कल वृंदा की मृत्यु तिथि है। अगर कल नहीं हुआ तो वो 1000 सालों तक जिंदा रहेगी। अंजलि खुफिया कमरे के अंदर जाती है जहां निखिल बैठा होता है। मुझे पता था तुम यही मिलोगे। अंजलि तुम यहां? तुम्हें कैसे पता कि मैं यही हूं? इतना तो समझती हूं तुम्हें। तुम्हें यहां नहीं होना चाहिए, तुम्हें अभी देव के साथ होना चाहिए। मुझे जहां होना चाहिए मैं वही हूं। मैं कुछ समझा नहीं। अंजलि अपने एक हाथ आगे कर निखिल को एक गिफ्ट दिखाती है। वो वही गिफ्ट है जो निखिल अंजलि के लिए लाया था। उस गिफ्ट को अंजलि निखिल के सामने खोलती है। उसमें एक बेहद खूबसूरत रिंग थी जो निखिल अंजलि को प्रपोज करने के लिए लेके आया था। तुमने उस दिन कमरे में ये तो सुना
कि देव ने मुझे प्रपोज किया, पर मेरा जवाब नहीं सुना। तो क्या था तुम्हारा जवाब? मेरा जवाब तुम थे। मतलब? I love you निखिल, I love you very much। मैंने देव को मना कर दिया था। पर क्यों? देव से तुम प्यार करती थी ना? सही कहा, प्यार करती थी, पर अब नहीं। देव और मेरे रिश्ते में भरोसा नहीं था। उसने मुझ पे विश्वास नहीं किया, लेकिन तुमने किया और हर कदम बस मेरा साथ देते गए। मेरे लिए भरोसा ही प्यार है। I love you too, अंजलि। देव अंजलि और निखिल की बात सुन लेता है और दरवाजे पर नॉक करता है। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? अंजलि और निखिल देव को देख के शॉक हो जाते हैं। उनके मन में एक डर था कि कहीं देव ने सब सुन तो नहीं लिया। देव तुम यहाँ? वो हम दोनों। अंजलि प्लीज रिलैक्स, मैंने सब सुन लिया है। मैं जान चुका हूँ कि तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो। एंड ट्रस्ट मी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये बात सच है, ट्रस्ट इज इम्पोर्टेंट, जो मैंने नहीं किया तुम पर। सो लॉस मेरा है, तुम्हारा नहीं। देव तुम ये मत समझना कि हमने कोई धोखा किया है। अरे चिल, मैं जानता हूँ तुम दोनों को और मैं खुश हूँ तुम दोनों के लिए। अंजलि, निखिल और देव एक दूसरे से गले मिलके इस पल को और यादगार बना देते हैं। हाँ, पर एक बात का ध्यान रहे, इसके 100 टुकड़े कोई एक इंसान ही कर सकता, तो तुम लोगों में से वो कौन करेगा? इससे पहले कोई कुछ बोल पाता, एक आवाज आती है, मैं करूंगा 100 टुकड़े वृंदा के। ये आवाज किसी और की नहीं बल्कि देव की थी। कहानी का अगला भाग सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। देव का वृंदा को मारने का फैसला निखिल और अंजलि के परे था। अंजलि और निखिल उसे साइड में ले जाते हैं। तुम ये क्या कर रहे हो? मैं कुछ समझा नहीं। निखिल का मतलब है तुम्हारा वृंदा को खत्म करने का डिसीजन बिल्कुल गलत है। तुम इस तरफ अपनी जान खतरे में नहीं डाल सकते। She's right, देव। Please drop this idea। भास्कर, बाबा या क्षमा कोई भी उसे मार सकता है। फिर तुम क्यों कर रहे हो? हाँ देव, ये हम तुम्हें नहीं करने देंगे। वो कुछ भी कर सकती है। अगर वो देवराज को मार सकती है तो तुम्हें भी नहीं छोड़ेगी। इट्स नॉट अ गुड आइडिया। तुम मना कर दो प्लीज। नहीं, ये कहानी मेरी है, खत्म भी इसे मैं ही करूंगा। और तुम दोनों प्लीज ये टेंशन छोड़ो। अब मैं ठीक हूँ बिल्कुल। तुम दोनों अपने इस नए रिश्ते पे ध्यान दो। देव इतना बोल के वापस भास्कर, बाबा और क्षमा के पास चला जाता है और निखिल और अंजलि बस एक दूसरे को ताकते रह जाते हैं। उन्हें देव का ये फैसला ठीक नहीं लग रहा था, पर देव उनकी एक सुनने को तैयार नहीं था। बाबा, हमें कब निकलना होगा? देव, इतनी जल्दी करना ठीक नहीं है। वृंदा को खत्म करने के लिए कुछ चीजें दिमाग में रखनी होगी। वृंदा के शरीर के कई छोटे छोटे टुकड़े करने होंगे। उसकी गर्दन से टपक रहा खून को बड़ी सी शीशे में डालना होगा। एक शीशे की बाल्टी में? मैंने उसमें एक मंत्र फूंका जिसके मदद से वृंदा वापस से एक इंसान का शरीर नहीं ले पाएगी। पर हमें एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा, गलती से कोई जानवर या इंसान उसके खून को चख न ले, वरना उसमें भी मायावी शक्तियां आ जाएंगी। मैं तुम सबको सुरक्षा कवच दूंगा जिसे कोई भी अपने शरीर से अलग नहीं करेगा। बाबा की बात पर
सब लोग हामी भरते हैं और बाबा के हाथ से कवच लेके अपने दाएं हाथ में पहन लेते हैं। मगर बाबा, ये शीशे की बाल्टी का करेंगे क्या? गांव के बाहर एक 100 साल पुराना कुआं है, उसके अंदर फेंकना होगा। ये वही जगह जहां पर वृंदा का जन्म हुआ था। हमें निकलना कब होगा? आज रात 1 बजे। सब लोग बाबा के साथ बाहर जाते हैं और तभी अंदर वृंदा झटके से अपनी आंख खोलती है। उसने सब कुछ सुन लिया था। मुझे लगा था तू है इसके पीछे। बाबा, इतना बड़ा धोखा मैं छोड़ूंगी नहीं किसी को भी। वृंदा अपने मन में एक मंत्र बोलती है और वहां से गायब हो जाती है। बाबा करीब 1 घंटे के बाद वापस आता है तो वृंदा को वहां न देख उसे शक होता है। वहीं दूसरी तरफ महल में अंजलि पैकिंग कर रही थी कि तभी वहां पर निखिल आता है। क्या कर रही हो? पैकिंग। पैकिंग क्यों? क्यों मतलब? हमारा मकसद खत्म हो जाएगा आज। वृंदा के खत्म हो जाने के बाद बदला, खून और दुश्मनी सब हमारी जिंदगी से दूर चला जाएगा। फिर निखिल का हाथ थाम के कहती है, तुम मुझे मिल गए और देव की भी जान बच गई। अब बस बैक टू दिल्ली। मैं तो भूल ही गया, आए हैं तो जाना भी पड़ेगा वापस। क्या हुआ निखिल, तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो? अंजलि, एक सवाल है जो दिल में उठ रहा है। हम दोनों यहां देव के लिए आए थे। मैंने देखा है तुम्हें, देव को बचाने के लिए कुछ भी कर सकती हो। क्या तुम मेरे लिए भी? इससे पहले अंजलि कुछ जवाब दे पाती, उसका और निखिल का तावीज चमकने लगता है। लगता है समय आ गया है, चलो। बाबा अपनी आंखें बंद कर मंत्र बोलना शुरू करता है। उस मंत्र से ये पता चलता है कि वृंदा आसपास ही है। वो भास्कर, देव, क्षमा, अंजलि और निखिल को वापस बुलाने के लिए हवन कुंड के आगे बैठ जाता है। जोर से हवाएं चलने लगती है और सब लोग उधर पहुंच जाते हैं। वृंदा को सब पता चल चुका है, हमें अभी निकलना होगा। कोई भी तावीज शरीर से अलग मत करना, वो जंगल की तरफ गई है। देव, ये लो तावीज, इसमें मैं ये हरे रंग का हिस्सा तुम्हें वृंदा के शरीर से लगाना है, फिर अपने आप वो तुम्हारे काबू में आ जाएगी। उसने गुलाबी रंग के वस्त्र पहने हैं और मेरे मंत्रों की ताकत से तुम्हें उसके शरीर के आर पार लाल रंग का गोला दिखेगा। देव, तुम जानते हो तुम्हें उसे काबू में कैसे करना है। देव हामी भरता है और सब लोग जंगल की ओर निकल पड़ते हैं और आसपास फैल जाते हैं। वृंदा, वृंदा, कहाँ हो तुम? देखो मैं आ गया हूं तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ के। वृंदा, मैं जानता हूं तुम यही कहीं हो, मैं सब कुछ छोड़ के आ गया हूं। देव को एक बरगद के पेड़ के पीछे हरे रंग की रोशनी दिखाई पड़ती है। वो समझ जाता है वृंदा वहीं कहीं है। वो पेड़ की ओर जाता है। मैं अंजलि को छोड़ आया हूं, सब छोड़ आया हूं। मैं समझ गया हूं, देवराज और देव को वृंदा से ज्यादा कोई प्यार नहीं कर सकता। ये सुन वृंदा खुश हो जाती है और देव के सामने आती है। क्या कहा तूने? फिर से बोल। यही कि तुमसे ज्यादा प्यार मुझे कोई और नहीं कर सकता है, मैं भी तुमसे प्यार करने लगा हूं। वृंदा भागकर देव के गले लग जाती है। वृंदा, अब हमें कोई अलग नहीं कर सकता है। देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ, ये माला, इससे हम दोनों को कोई अलग नहीं कर पाएगा। मेरे लिए ले, मुझे खुद पहना दे। देव बाबा के दिए हुए तावीज वृंदा को पहना देता है। वृंदा उसे देखकर खुश हो जाती है और देव के गले लग जाती है। पर जैसे ही वो उससे अलग होती है, उसे अपने अंदर कमजोरी महसूस होती है। धीरे धीरे उसका शरीर काला पड़ने लगता है। ये क्या हो रहा है, मेरा शरीर क्या हो रहा है मुझे? तभी पीछे से गीतांजलि, निखिल, बाबा, भास्कर और क्षमा बाहर आते हैं।
वृंदा उन्हें देख के सब समझ जाती है। तूने झूठ बोला मुझसे, यह गलत किया तूने, तूने झूठ बोला है, मेरा भरोसा तोड़ा। इतना कह के वो वहां से भाग जाती है और देव उसका पीछा करने लगता है। दोनों भागते भागते सबसे बहुत दूर आ जाते हैं। तभी देवराज अपने जेब से एक खंजर निकालता है और उसे वृंदा की पीठ पर चला देता है। वृंदा जमीन पर गिर जाती है। देव में मानो कोई हैवान घुस गया। वो बड़ी बेरहमी से उसके शरीर के छोटे छोटे टुकड़े कर देता है और वृंदा की गर्दन से निकल रहे खून को शीशे की बाटली में डाल देता है और उसे पी लेता है। धीरे धीरे उसकी आंखें लाल होने लगती हैं और शरीर एकदम काला। उसके चेहरे पर हैवानों जैसी मुस्कान थी। मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा निखिल को। निखिल, तूने मुझसे मेरा प्यार छीना, अब तुझसे मैं तेरा सब कुछ छीन लूंगा। ये लड़ाई खत्म नहीं, शुरू हुई है। अंजलि सिर्फ मेरी है, मेरी ही रहेगी। अंजलि सिर्फ मेरी है, मेरी रहेगी। वृंदा की कहानी खत्म, देव की शुरू। मैं आ रहा हूं। ये बोल वृंदा का कटा हुआ सर देव अपने हाथ में लेके वहां से चला जाता है। बाबा ने देव का डरावना रूप देख लिया। ये क्या किया तूने देव? जिस साए से तू नफरत करता था आज वही बन गया। अब जो होगा उसे कोई नहीं रोक सकता है, कोई नहीं रोक सकता। विनाश हो के ही रहेगा।